अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ सुरमई फ़िश करी की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी है। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी हिट कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक फ्राइंग पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर दूँगी एक चम्मच ऑयल। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी दो मीडियम कटी हुई प्याज, जिसको मैंने मोटा मोटा ही कट कर लिया है, वो ऐड कर देंगे। यहाँ पर अभी हम मसाले की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसीलिए प्याज को हमें थोड़ा सा भून लेना है। अब मैं इसमें एक टमाटर, उसको भी इस तरीके के पीसेस में कट करके ऐड कर दूँगी, और 2 से 3 मिनट तक हमें इसे चला लेना है, ताकि ये दोनों चीज़ें सॉफ्ट हो जाए। अब एक मिक्सर के जार में मैं ऐड कर दूँगी गीला नारियल, वो 2 टुकड़े मैंने लिए हैं, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा हरा धनिया, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून, और मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून, और साथ ही में जो मसाला हमने तैयार किया हुआ था प्याज और टमाटर वाला, वो भी ऐड कर देंगे। अगर आप चाहे तो कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं, और इसे अच्छे से पीस लेंगे थोड़े से पानी की हेल्प से। एक कढ़ाई ले लेंगे अब, और हम यहाँ पर इसमें ऐड कर देंगे 2 बड़े चम्मच के करीब कुकिंग ऑयल, और कड़ी पत्ते ऐड कर देंगे। आप चाहे तो राई भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ। और अभी जो हमने मसाला तैयार किया हुआ है वो इसमें डाल देंगे हम। साथ ही में मैंने फ़िश को भी अच्छे से साफ़ करके उसे नमक से धोकर रख लिया है साइड में, और अभी हम मसाले को अच्छे से भून लेंगे। मसाला भूनने के लिए हमें 15 से 20 मिनट लगेंगे, मीडियम टू लो फ्लेम करके हमें इसे भून लेना है, ताकि तेल जो है अच्छे से सरफेस पे आ जाए। तो अभी हम इसे थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, ताकि मसाला अच्छे से भून जाए। तो देखिए, हमने इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर भून लिया है ढक कर, और बीच में हमने 2 से 3 बार इसे चम्मच चला लिया था। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छे से मसाला भून कर रेडी हो चुका है। तो आप जितनी ग्रेवी चाहे उतना पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिर्फ 1/2 से 1.25 ग्लास पानी ऐड कर दूँगी, क्योंकि मुझे ये सालन जो है वो थोड़ा सा थिक ही पसंद है। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सुरमई फ़िश। तो ये सालन हमारा बनकर तैयार हो चुका है। फ़िश ऐड करने के बाद मैं इसे सिर्फ 5 मिनट के लिए पकाने वाली हूँ। ओवर कुक हमें बिल्कुल नहीं करना है, सिर्फ एक जोश इसका ले लेना है, और ये सालन बनकर रेडी हो जाएगा। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी कोकम। तो आप ये सालन को चावल की रोटी, चावल या नॉर्मल चपाती के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो 5 मिनट बाद मैंने इसे डिश आउट कर लिया है। आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन सा सालन बनकर रेडी हो चुका है। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए गए हैं। अल्लाह हाफिज़।